हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, यहाँ पर दूध आ गया था तो दूध ले लिया और ये गर्म कर रही हूँ। एक्चुअली अभी जिम से आ गई थी तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का और सामने आने का, तो इसीलिए मैंने सोचा जो अभी जो भी चल रहा है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस दूध गर्म कर रही हूँ। दूध गर्म करने के बाद मैंने नहा लिया था, नहा धो के फिर यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर फूल तोड़ रही हूँ पूजा के लिए। एक्चुअली आज पूजा वगैरह करनी है, आज भोग लगाना है, सब कुछ करना है, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और आज किस किस साइड में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और हमारे साइड में क्या क्या होता है महाराष्ट्र में वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर फूल तोड़ रही हूँ, फूल तोड़ने के बाद पूजा कर लूँगी अपनी, और पूजा करने के बाद मैं अपने बाकी के कामों में लग जाऊँगी। जैसे कि आज पूरन पोड़ी भी बनानी है तो पूरन पोड़ी बनेगी आज भोग में। उसके बाद वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा अगर आप महाराष्ट्र से हो, और अगर आप नहीं हो तो आपको बता दूँ महाराष्ट्र में कोई भी त्यौहार होता है बड़ा त्यौहार जैसे, तो उसमें हम लोग पूरन पोड़ी ही बनाते हैं। पूरन पोड़ी हमारी यहाँ की फेमस स्वीट डिश है। तो पूरन पोड़ी बनाने के बाद ही हमें ऐसे तसल्ली मिलती है कि नहीं, आज त्यौहार था। और अगर आपको नहीं पता पूरन पोड़ी क्या होती है तो एक बार बहुत सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी पूरन पोड़ी की, एक बार रेसिपी देख लेना। मतलब चने की दाल की बनती है, पूरन बनता है चने के दाल का और उसका उसकी रोटी बनाई जाती है। जैसे हम लोग पराठे वराठे नहीं बनाते आलू के, वैसे ही सेम रोटियाँ बनाई जाती है। और वैसे आज सब कुछ बनता है जैसे त्यौहार में बनता है ना, पकौड़े, वो पापड़ फ्राई करते हैं और क्या क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। बट मेरे यहाँ पर मैं इतना नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि फ्राइड अभी नहीं खा रही हूँ, कुछ चीज़ें फ्राई वगैरह करके नहीं खा रही हूँ, तो इसी वजह से वो नहीं बनाने वाली हूँ। बस मतलब कैसा है, बनाने के बाद हमारा मन कर ही जाता है खाने का। और वैसे भी आज भगवान को भोग दही और चावल का ही लगता है, तो फिर भी हम लोग पूरन पोड़ी तो बनाते ही है खाने के लिए। और वैसे मैं ये त्यौहार व्यवहार में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है, एक तो शादी बहुत कम एज में हुई, उसके बाद जब से शादी हुई तब से इनके साथ दूसरी जगह ही रही हूँ, यहाँ पर मतलब रही नहीं हूँ, तो इसी वजह से मुझे इतना त्यौहार का नहीं पता है कि क्या होता है त्यौहार में और क्या किया जाता है। कुछ मैं अपने मम्मी से पूछ लेती हूँ, कुछ मैं अपने सासू माँ से पूछ लेती हूँ, तो ऐसे कर करके मैं त्यौहार मनाती हूँ। वैसे परफेक्ट जो है, मतलब जो कुछ होता है परंपरा चली रहती है, जैसे कि पहले से जो भी होता आ रहा है वो इतना नहीं पता है मुझे, बट जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये करना चाहिए तो मैं वो कर लेती हूँ। अगर मम्मी ने बताया या मेरे सासू माँ ने बताया कि यही ऐसे ऐसे करना होता है तो वो चीज़ें मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जब से शादी हुई है तब से तो मैं बाहर बाहर ही रही हूँ और सबके साथ त्यौहार बनाने का टाइम ही नहीं मिला था, तो और उसके बाद जब इधर आए तब इधर रहने लगी, तो इतना सबके साथ त्यौहार मनाने का टाइम नहीं मिला। सिर्फ दिवाली हम लोग साथ में मनाते थे, हम लोग छुट्टियों पे आते थे तो दिवाली पे बहुत धूमधाम से हम लोग दिवाली मनाते थे। मैं ससुराल में जाती थी दिवाली मनाने के लिए, दिवाली के टाइम पे ही हम लोग एक महीने की छुट्टी लेके आते थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन ससुराल में मैं दिवाली मनाती थी, हम लोग सब साथ में दिवाली मनाते थे, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। चलो कम से कम इस त्यौहार के बहाने पुरानी यादें तो ताज़ा हो गई। हे हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, सारा काम तो हो चुका है और हाँ, आपसे बात ही नहीं कर रहा हुआ। सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइज आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे। आज की है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सब कुछ हो गया है, हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं, तो चले खाना खा लेते हैं। अद्विक से मिल लीजिए आप। अद्विक की आज कितने दिनों के बाद वॉच दिखी है। हाँ, और बहुत खुश है वो। मेरी गाड़ी में पड़ी थी, मैं कितना रो रहा था। क्या इसमें भी लाइट लगता है पता है मुझे? ये देखो, ये कैसे बाल कर दिए अद्विक। इसमें लाइट लगता है, देखो अद्विक की वॉच कितने दिनों के बाद मिली है। आपको बता तो मैं ना, इसमें लाइट लगता है। हाँ, पहले दिखाया था ना आपने। हाँ, और ये गाड़ी में थी वॉच, और अद्विक कितना रो रहा था इस वॉच के लिए। इसको लगा कि हम लोग गाँव में ही भूल गए हैं। जिस दिन हम लोग गाँव गए थे मम्मी से मिलने, अद्विक सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे बोलो क्या? सभी को गुरु पूर्णिमा की, सभी को गुरु नहीं गुरु 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 पूर्णिमा की शुभकामनाएं। पहना देती हूँ, रुको मैं एक हाथ से कैसे पहनाऊ, रुको रुको रुको
हाँ रुको रुको, बना दी ना मैंने। हाँ बहुत सुंदर लग रहे हो, चलो खाना खा लेते ठीक है। ये देखिए ये थाली सज गई है भगवान की। ये सात नैवेद्य बोलते हैं हमारे साइड में, नैवेद्य बनाए जाते हैं। उसके बाद ये पूरन पोड़ी और उस पर घी है, मतलब छोटी सी पूरन पोड़ी बनाई है भगवान के लिए। और यहाँ पर ये सात नैवेद्य, ये देवी का भोग लद होता है आज का, तो देवी के मंदिर में उधर तो नहीं जा सकते हैं, तो इसी वजह से ये जो भोग है सात नैवेद्य वाला वो मैं घर पे ही भगवान को दे रही हूँ। तो यहाँ पर वही चल रहा है अभी। और प्लीज़ यहाँ पर मुझे जज मत करना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है क्या होता है। मैं अपने तरह से करती हूँ, जो भी होता है हर हर साइड का अलग अलग होता है, मतलब हर साइड में सब कुछ अलग अलग रिवाज होते हैं। महाराष्ट्र में ही कितने साइड में कितने अलग अलग रिवाज होते हैं, तो वो हर साइड का अलग अलग होता है। इसी वजह से हमारे साइड में जैसा है, और वैसा भी मैं सोचती हूँ कि वैसा भी मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है। मैं फ़ोन पे पूछ पूछ के ही करती हूँ हर साल, और हर साल भूल जाती हूँ। कौन कौन मेरे जैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हर साल मम्मी से पूछती हूँ कि क्या करना है इसमें, और सिर्फ दिवाली दशहरा ये चीज़ों में मुझे याद रहता है, बट ये बाकी की चीज़ों में क्या करना होता है, कौन से त्यौहार में क्या करना होता है, नहीं याद रहता है। अभी मैं सोच रही हूँ एक डायरी ही बना लूँ कि कौन से त्यौहार में क्या होता है, वो सारा लिख के रखूँ, ताकि बार बार मुझे मम्मी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। मम्मी को पूछती हूँ, सासू माँ को पूछती हूँ कॉल कर करके, तो ऐसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर मैं क्या क्या है आज खाने में वो बता देती हूँ। कढ़ी है, दाल चावल है, उसके बाद बरबटी की फल्ली की सब्जी है, और क्या है, हाँ पूरन पोड़ी है। और कुछ भी मैंने फ्राई नहीं किया है आज, मतलब ना पकोड़े बनाए हैं, ना पापड़ फ्राई किए हैं, ना कुछ भी, ये कुछ भी नहीं किया है। कुरोड़ी वगैरह फ्राई करते हैं हमारे साइड में, बहुत कुछ होता है त्यौहार के दिन, बट हमारा सादा सिंपल वाला त्यौहार था आज। यहाँ पर हम लोग दही के साथ पूरन पोड़ी खा रहे हैं। बहुत से लोग दूध के साथ भी पूरन पोड़ी खाते हैं, उसके बाद घी के साथ भी बहुत लोगों को पसंद है। घी के साथ तो बहुत लोग होंगे खाने वाले पूरन पोड़ी, बट मुझे और इनको पर्सनली घी के साथ नहीं पसंद है, तो इसी वजह से हम लोग ऊपर से ही घी लगा देते हैं और दही के साथ पूरन पोड़ी खाते हैं। गरम गरम पूरन पोड़ी और ठंडा ठंडा दही बहुत टेस्टी लगता है, बट पूरन पोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी इसी वजह से इतना मज़ा नहीं आया, बट गरम पूरन पोड़ी रहती है ना तो दही के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और किस किस को पूरन पोड़ी पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और आज तो मेरा चीट डे ही हुआ, अभी त्यौहार है तो चीट डे हो ही गया, और उसके बाद भी आप रात तक देखना चीट डे ही हुआ है आज पूरा। वैसे अभी थोड़ी डाइट कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, एक दिन चल जाता है, चीट डे तो होता ही है। और वैसे त्यौहार हो तो बिना खाए अच्छा भी नहीं लगता है, नहीं तो त्यौहार जैसा फील नहीं होता है, इसी वजह से खा लिया आज। तो गाइज खाना वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ। चिकनकारी कुर्ती पहनी है उसने, और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फेस्टिवल होता है ना तो खाना ज्यादा जाता नहीं है, ऐसा लग रहा था आज, है ना। बिल्कुल भी मैं फिर भी पकोड़े और वो फ्राइड चीजें तो कुछ भी नहीं बनाई थी, मतलब जैसे कि पकोड़े फ्राई करते हैं, पापड़ फ्राई करते हैं, तो ये सारी चीजें तो कुछ भी नहीं थी, फिर भी ऐसे खाना नहीं जा रहा था ज्यादा। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ यार, बहुत ऐसे थकावट लग रही है, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। माही ने प्लांट में पानी डाल दिया है, माई की वजह से ये प्लांट ग्रो कर रहा है लगता है। लेकिन ज्यादा मत डाला करो माई, ये नीचे आ जाता है देखो। हाँ। थोड़ा सा डालना पड़ता है उसमें। चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आपके साथ में कुछ शॉपिंग मैंने की है अमेज़न से, वो शेयर करने वाली हूँ। काफी दिनों से मुझे जो जो चीजें चाहिए थी वो मैं कलेक्ट कर रही थी, अभी सारी चीजें कलेक्ट हो गई है, तो मैंने सोचा चलो एक हॉल टाइप का आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कुछ लिपस्टिक्स मैंने लिए हैं जो मुझे काफी दिनों से चाहिए थे, मतलब एक एक करके ले रही थी मैं। तो ऐसा है कि मेरा जब मुझे कभी कोई रिकमेंड कर देता है तो मैं उसमें ले लेती हूँ, कभी किसी ने कुछ अच्छा बता दिया, कभी किसी ने कुछ अच्छा बता दिया तो उस टाइम मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने ये सारे लिपस्टिक्स ली है। तो ये सारे लिपस्टिक्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये दो लिपस्टिक जो है वो लैक्मे 925 रेंज से है, जो वेटलेस मैट मूज लिपस्टिक्स है। और उसके बाद ये जो लिपस्टिक है वो कलर बार की है, उसके बाद ये जो है वो शुगर क्रेयॉन है, उसके बाद ये निक्स की लिपस्टिक है। तो ऐसे करके मैं इसके स्वाचेस आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये वाला, ये कौन सा शेड है, प्लम फेदर, बहुत फेवरेट शेड है मेरा ये। और पहले वाला जो ख़त्म हो गया था ना, तो ये मैंने दूसरा मंगाया है, इतना अच्छा लगता है मुझे ये शेड कि आपको क्या ही बताओ, मतलब
बहुत नेचुरल लगता है। अगर आप फेयर स्किन टोन के हो ना तो आपके ऊपर ये डार्क लगेगा। मैं मीडियम स्किन टोन से हूँ तो मेरे ऊपर थोड़ा सा ये नेचुरल शेड में लगता है, बहुत सुंदर है। मतलब आप लगाते हो ना तो आपको लगता भी नहीं है कि आपने कोई लिपस्टिक वेयर कर रखी है। तो ये है, और उसमें ये जो शेड है वो ये भी बहुत फेमस वाला शेड है, कोकोआ सॉफ्ट। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से है। अगर आप फेयर स्किन टोन वाले हो तो आपके ऊपर ये थोड़ा सा डार्क लग सकता है। अगर आप मीडियम स्किन टोन वाले हो मेरे जैसे तो थोड़ा सा ये आपके ऊपर मतलब इतना भी डार्क नहीं, डार्क है लेकिन ये वाला शेड जैसे डार्क ब्राउन कॉफी कलर जैसा नहीं होता है उस टाइप का है, ये बहुत सुंदर शेड है। तो ये दोनों शेड मैंने लिए हैं। और उसके बाद ये शुगर की क्रेयॉन है 07 नंबर की, ये ब्राउन शेड है। मुझे ना ब्राउन या न्यूड ऐसे शेड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या मॉविश पिंक शेड बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये वाला इसका स्वच्छ है शुगर क्रेयॉन का, उल्टा लगा रही थी, अच्छा हो गया मुझे दिख गया, नहीं तो बस फंसा देती तो पूरा का पूरा नोक निकल जाता उसका। तो यहाँ पर है मेरे पास ये कलर बार की, कलर बार की कौन सी है 78 नंबर है क्रेम कप, ये भी बहुत प्यारा शेड है। कहाँ पे स्वाच करूँ, यहाँ पे, बहुत ही सुंदर शेड है ये भी। तो ये वाली कलर बार की है, सारे मैंने दिखा दिया आपको। हाँ नेक्स्ट की रह गई है ये ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे स्किन टोन पे ये वाला शेड जो है इबिजा, मेरे स्किन टोन पे थोड़ा सा ये अजीब लगता है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट यही मैंने माही को लगाने के लिए बोला तो माही के ऊपर ये बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब माही बहुत ज़्यादा गोरी है ना तो उसके ऊपर ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसी वजह से मैंने ये मतलब रिटर्न तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेजोन के हो या कहीं पर भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिटर्न नहीं होते हैं। तो इसी वजह से आप सोच समझ कर लीजिए जब भी लेना हो। तो ये थे मेरे सारे लिपस्टिक्स और ये थे उसके स्वाचेस। और उसके बाद मैंने ये लिया है ब्लू हेवन का ग्लिटर आई शेडो, लिक्विड ग्लिटर आई शेडो। मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है, गोल्डन वाला है, बहुत सुंदर है। ये है ब्लू हेवन का ग्लिटर आई शेडो गोल्डन। तो इसका स्वाच मैं कहाँ दूँ आपको, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। अगर आप कोई पार्टी या मेकअप कर रहे हो तो उसमें ये आपके काम आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइज। अगर आपको आपके ब्राइडल किट में रखना है तो भी आप इसे रख सकते हो, अगर आप होने वाली ब्राइड हो तो। बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है गाइज, देखो आप ग्लिटर आई शेडो बहुत प्यारा शेड है। उसके बाद मैंने ये कलर बार का एक ब्लश लिया है जो मुझे काफी दिनों से चाहिए था कलर बार का ब्लश, और फाइनली मैंने ले लिया। इसमें मैं दूसरा एक शेड ऑर्डर करने वाली हूँ पीच वाला, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये शेड यहाँ पर, ये है इसका स्वाच, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको पता नहीं, ये है इसका स्वाच। तो बहुत ही सुंदर शेड है, पिंक शेड है, बहुत सुंदर शेड है। और ये शेड नंबर 010। सारी चीज़ों की लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसे परचेस करने से पहले अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं, मैं सारे प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ, बट अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं तो ऐड टू कार्ट करके रखना, जब सेल आएगा तब लेना। सेल है 26 एंड 27 को, प्राइम डे सेल है, तो इतने अच्छे अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं प्राइम मेंबरशिप वालों को। तो अगर आपने अभी तक प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो जो पैसा है वो वहाँ पर वसूल होने वाला है आपके उस सेल में, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। 300-400 रुपये की, मतलब 300-350 रुपये की ही आपको प्राइम मेंबरशिप मिल जाती है 3 महीने की। उसके बाद अगर 1 साल की लेनी हो तो आप 1 साल की भी ले सकते हो, तो वो ले लीजिए, आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हो बहुत सारी चीजें तो प्राइम मेंबरशिप वालों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर है। 1000 रुपीज की अगर आप शॉपिंग करते हो तो 1000 रुपीज आपको बैक मिल सकता है, तो उस टाइम आप उस ऑफर का फायदा जरूर उठाना। और ये अगर प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं तो ऐड टू कार्ट करके रखना, परचेस मत करना, उस टाइम परचेस करना प्राइम मेंबरशिप लेके। नेक्स्ट मैंने लिया है ये फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट, जो इस तरह से है। ये थोड़ा सा सस्ता वाला कॉम्पैक्ट है, मतलब इसमें दो तीन, मतलब हाँ एक थोड़ा सा इससे महंगा आता है, उससे भी महंगा आता है 700 वगैरह का, तो ये थोड़ा सा सस्ता है, अंडर 200 है। तो ये मैंने लिया है, और बट इसका जो मिरर है बहुत ज़्यादा क्लियर मिरर है। मैं शेड मैंने 04 लिया है, एक्चुअली मुझे लगता है कि 03 लेना चाहिए था मैंने शेड, थोड़ा सा डार्क लग रहा है मुझे, बट कोई नहीं, यूज़ हो जाएगा ये लाइट फाउंडेशन पे, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने ये लिया है, मुझे बहुत दिनों से चाहिए था ये, और ये मैंने ऐड टू कार्ट बहुत दिन पहले करके रखा था,
तो ये जो है आईब्रो किट है, ये इस तरह से है आईब्रो किट वेट एंड वाइट की। और इतना ज़्यादा मुझे इसका क्रेज़ था कि मैं इसको कब लूँ कब लूँ, फाइनली मैं इसे ले लिया। यहाँ पर ये वैक्स है, उसके बाद ये लाइट कलर है, उसके बाद ये डार्क कलर है उसमें। और इसमें ये भी आता है, प्लकर भी आता है और एक ब्रश भी आता है लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देखो इतना छोटू सा ब्रश दिया है, और ये यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए भी ब्रश दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर वाला मतलब आईब्रो किट है। और उसके बाद यहाँ पर साइड में इसके मिरर दिया होता है, तो मिरर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मिरर कैरी करना पड़ेगा, आपको इसी में मिरर दिया है। तो ये बहुत अच्छा पैलेट है गाइज, मतलब मुझे कितने दिनों से इसको परचेस करना था, फाइनली मैंने इसे परचेस कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट से, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये प्रोडक्ट। और उसके बाद मैंने ये प्लम का काजल लिया है, इसको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है ही नहीं। इसके साथ ये शार्पनर आता है, और ये काजल काफ़ी अच्छा काजल है। अगर आप कोई अच्छा काजल ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छा और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ब्राइडल किट में आप इसे रख सकते हो। और वैसे भी आप अगर डार्क इंटेंस काजल चाहिए आपको, तो आप इसे ले सकते हो, बहुत बहुत अच्छा काजल है। और अब मेन तो लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये है शुगर का काजल, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। शुगर का काजल मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, तो शुगर का काजल मैं यूज़ करने के बाद आपको बताऊंगी कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्लम का काजल तो मैंने इससे पहले यूज़ किया है, तो इससे जैसे अच्छा है वो, बट ये शुगर का काजल मैंने यूज़ नहीं किया है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका रिव्यू मैं कोई ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो ये है शुगर का काजल। उसके बाद मैंने ये कलर बार की नेल पॉलिश ऑर्डर की है, आपको तो पता ही होगा अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, तो मेरे पास ज़्यादातर कलर बार एंड फेसेस कैनेडा की ही नेल पॉलिशेस हैं, क्योंकि मुझे इनकी नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये नेल पॉलिश है ब्लू कलर में, ग्लिटर ब्लू कलर है ये, बहुत बहुत सुंदर शेड है ये, मतलब ये अभी लगा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे नेल्स पे ये ब्लैक वाला नेल पॉलिश है, तो इसी वजह से ये नहीं लगा के दिखाऊंगी, बट बहुत सुंदर शेड है। तो ये वाला लिया है मैंने। इसके बाद मैंने क्या लिया है वो आपको दिखाती हूँ। ये वाला ट्रिमर लिया है मैंने, इसे आप अपने अंडर आर्म्स में यूज़ कर सकते हो, इसे आप अपने हैंड्स पे यूज़ कर सकते हो, लेग्स पे यूज़ कर सकते हो, सारी जगह पे इसे आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको पेन सहने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने ये ले लिया। और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से इसमें ट्रिमर आता है, ये देखो यहाँ से ये ऑन करो, वाह यार बहुत जल्दी बाल निकलते हैं इससे, मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो ये वाला ट्रिमर लिया है मैंने, ये अग्यारो का ट्रिमर है, फीमेल बॉडी ग्रूमर, अग्यारो ब्रांड से है ये। इससे पहले मैंने अग्यारो ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है, तो मुझे बताया ये ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसी वजह से मैंने इनका लिया है। और उसके बाद ये जो है मैंने हेयर ड्रायर रखने के लिए स्टैंड लिया है, मैं इसे अपने रूम में इंस्टॉल करूँगी। और ये कुछ आपको इस तरह से मिलता है, और ये आपको पीछे स्टिक करने के लिए भी मिलता है, मतलब आपको कोई कील विल लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपके वॉल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ड्रायर रख सकते हो, इधर आप अपने कोम वगैरह रख सकते हो, यहाँ पर आप अपना सीरम वगैरह रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे देखते ही। और हाँ, सबसे स्पेशल बात इसकी ये है कि ये अमेजोन पे इन्होंने देखा और मुझे लिंक सेंड की कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। मुझे अगर ज़रूरत भी नहीं होती तो भी मैं इसे ऑर्डर कर देती, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए। जब हस्बैंड कुछ बताते हैं ना कि ये ऐसी चीज़ें लो या वो चीज़ें लो, तो अच्छा लगता है। तो ये इसी वजह से ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। देखो ये यहाँ पर पिकिस का, मतलब यहाँ पर आप ड्रायर रख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप अपना सीरम वगैरह रख सकते हो, यहाँ वगैरह रख सकते हो, या अपना ब्रश वगैरह रख सकते हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो आप। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। उसके बाद मैंने लिया है ये ऑर्गेनाइज़र, इसको देखते ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये है कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़र, ये यहाँ पर ये ऊपर का है और उसके बाद ये नीचे का है। मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर ही दिखा देती हूँ मैं इसका पीक आपको। ये कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़र है, और अंदर किसे खोल के भी दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा रिसीव हुआ है गाइज, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे इस तरह से रखते हो ना, तो आपके ड्रेसिंग टेबल पे चार चांद लगा देगा ये। तो देखो इसमें आप अपने छोटे मोटे कुछ भी चीज़ें रख सकते हो, मेकअप रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर लिपस्टिक्स रख सकते हो, यहाँ पर कुछ ब्रशेस वगैरह रख सकते हो, कुछ भी आप इसमें रख सकते हो जो आपको चाहिए।
और नीचे भी इस तरह से ये ड्रॉर्स है और पूरा क्रिस्टल का बना है ना, ट्रांसपेरेंट है, पूरा क्रिस्टल का बना है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अरे ये फंस गया क्या, एक मिनट, हाँ सॉरी 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 सॉरी। और ये कुछ इस तरह से है, बहुत सुंदर स्टैंड है गाइज, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई होप गाइज आपको ये मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी, जो भी मैंने शॉपिंग की है, एक बार नहीं की है, थोड़ी 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 करके शॉपिंग की है। जब पूरा सामान मेरे पास कलेक्ट हो जाता है ना तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये सारी शॉपिंग थी और लिपस्टिक के स्वाचेस देखो, ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहा है। तो ये थी मेरी शॉपिंग गाइज, और आपको इनमें से कोई भी चीज़ परचेज करनी है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है आपके लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सेपरेट सेपरेट लिंक भी दे दिया है और एक माय हॉल स्टोर का लिंक भी दे दिया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए और आपको सेपरेट लिंक नहीं चेक करना है तो आप माय हॉल स्टोर के लिंक पर क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट को देख सकते हो। और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको तो ऐड टू कार्ट करके रखना, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, प्राइम डे सेल पे ही लेना इसे, मतलब आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इसमें। तो चले वाओ, क्या है, बर्गर एंड पिज्जा। हाँ सेव पाव, कौन सा, अच्छा ये सेव पाव है, दो बर्गर है हाँ, और एक पिज्जा हाँ, और एक सेव पाव। अच्छा अच्छा हाँ। आज भूख पूरी नहीं हुई क्या अद्विक? अद्विक आज भूख पूरी नहीं हुई क्या? नहीं, ये शेव पूरी है। हाँ शेव पाव, शेव पाव। ऐसा लग रहा है कि ये बर्गर बर्गर एक साइड पे टूटा, ये गाउठी बर्गर है। गाउठी बर्गर? हाँ देसी बर्गर, देसी बर्गर, गाउठी बर्गर। आज तो देखो पूरा चीट डे ही हुआ मेरा, सुबह से लेके शाम तक, और बस एक ही मतलब पीस खा रही हूँ, बट उसमें भी कितनी ज़्यादा कैलोरीज होती है, मतलब आपको क्या ही बताओ। मैं आज तो टेंशन आ गया था, मुझे खाने के टाइम तो कुछ नहीं लगता है, आप भी मेरे जैसे हो क्या बताना ज़रूर। मतलब खाने के बाद पछतावा होता है, यार इतना ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खा लिया हमने, बस हो जाता है ऐसे। और बस इतना खा लूँगी, और उसके बाद तो भूख भी नहीं थी आज, तो पता नहीं मुझे भूख क्यों नहीं लगी। यहाँ पर पिज़्ज़ा का एक ही स्लाइस खाया फिर भी भूख हो गई थी। बस इन्होंने खाना खाया था और वो भी थोड़ी सी, एक ही पूरन पोड़ी बची थी वो इन्होंने दही के साथ खा ली थी, इनको भी ज़्यादा भूख नहीं थी। वैसे बच्चों का तो इसी में हो गया था सब कुछ, तो इसीलिए बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, तो जो भी था मतलब रात को खाना ही नहीं बनाना पड़ा, सुबह भी बहुत कम बनाया था। चले गाइस आज तो खाना बनाना नहीं है क्योंकि सुबह का भी बहुत सारा खाना था, और अभी क्या बोलते हैं तो अभी वो पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह जो हमारा यहाँ का बर्गर है वो भी खाया, तो इसी वजह से कुछ भी अभी बनाना तो है नहीं और अभी खाना भी नहीं है। वो खा लिया ना तो उस पर पानी पी लेते तो भूख खत्म हो जाती है उसकी वजह से, तो अभी खाना नहीं है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। मिलती हूँ गाइज अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।